भोपाल से है, जहां पर सुरेंद्र पटवा की संपत्ति कुर्क कर आदेश जारी किया गया। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक है सुरेंद्र पटवा ने 5 साल पहले बैंक से लोन लिया था। लोन नहीं चुकाने का उन पर आरोप है। सुधीर डंडोती हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, क्या कुछ जानकारी? देखिए सर, बिल्कुल 2014 में सुरेंद्र पटवा उस समय तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे। उनकी जो संस्था है पटवा ऑटो मोटिव प्राइवेट लिमिटेड, और उनका जो दूसरे जो काम थे मैसर स्टार सिटी कंस्ट्रक्शन, मोनिका पटवा, भारत पटवा, महेंद्र पटवा जो उनके रिश्तेदार हैं, फुलवाई पटवा, इन सबके नाम से ये पूरा 36 करोड़ का लोन था, जिसमें कि बैंक का लोन इनके ऊपर नहीं चुकाया गया था। और उसके बाद में बैंक ने इनको डिफॉल्टर घोषित किया था। पूरे मामले की सुनवाई के दौरान बैंक ने इंदौर की जेटा कोर्ट में जो केस लगाया था, और उसके बाद में कोर्ट के द्वारा इनको लोन चुकाने के लिए 2017 का सब किया गया था। लेकिन 2017 में पटवा के द्वारा कोई लोन नहीं चुकाया गया, और अपने चुकी उस समय मंत्री थे। ऐसे में जो तमाम जो बैंक का जो आरोप था, उसके बाद में एक बार बैंक ने फिर से कोर्ट में शरण ली थी, और उसके बाद आज अब जाकर जो है भोपाल की जिला कलेक्ट्रेट की कोर्ट ने आदेश दिए कि सुरेंद्र पटवा की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जाए और बैंक के लोन को तुरंत चुकाया जाए। चलिए सुधीर, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।